उसके बाद पावर जो प्लग बटन है इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, तो ये जो पावर प्लग है और ये सादा प्लग है इसके कनेक्शन करने आपको बताएंगे। अब देखना आप तो इसके अंदर देखो वायरिंग करेंगे। ये आ गई अपनी एक नंबर बटन पर, और ये बटन से बटन जाएगी पहले देखना। ये देखो इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, कनेक्शन देखते रहना। ये बटन पर दे दी, ये देखो बटन से बटन पर दे दी, मैन निकाल दी, और उसके बाद में ये एक नंबर बटन पर कर दी। यहाँ पावर प्लग का जो पावर बटन पर कर दिया, और ये सादा जो प्लग है इसको इस सादे बटन पर कर देंगे। अब देखना इसको लूप दिया हुआ है, एक नंबर लूप बटन से बटन हो गया। देखना आपको दिखाऊंगी, ये देखो सादे बटन पर गया, और उसके बाद में ये पावर प्लग से कनेक्टेड हो गया। और उसके बाद देखो इसको करेंगे अपने यहाँ कनेक्टेड, ये यहाँ कनेक्शन हो गया इसका, ये 40 यहाँ हो गया। और दो नंबर है जो ये पलक से पलक हो जाएगा, ये बटन से बटन हुआ है जैसे लूप, और ये पलक से पलक हो गया। 5-pin सॉकेट है, तो ये 5-pin सॉकेट पर ये लूप हो गया इसके साथ। तो ये इसके कनेक्शन है, सिंपल सी बात है। कोई भाई घर पर एक्सटेंशन तैयार करना चाहता हो तो उसके लिए ये वीडियो है, इसको सही भाई शेयर करें और लाइक करें। और इसको देखो एक बार मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ये दोबारा से देखो बटन से बटन गई एक लूप, ये निकल गया। उसके बाद में पलक से पलक एक लूप निकल गया। उसके बाद में एक बटन से इसको कनेक्शन दे दिया, और एक बटन से इसको कनेक्शन दे दिया, ठीक है। ये सीरीज में हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में आपको चेक करके भी दिखाएँगे। उसके बाद में चेक करके दिखाएंगे, देखना इसी तरह दूसरे बोर्ड के भी आपको छोटे वाले बोर्ड के भी कनेक्शन करने सिखाएंगे। अब आप देखना, ये देखो इसमें कनेक्शन आ गया, ये देखो। और इसी तरह पावर प्लग में ये देखो आ गया करंट, ओके। इसी तरह ये देखो अलग अलग दोनों चलेंगे, ठीक है। और ये अलग चल रहा है, ठीक है। इसके कनेक्शन हो गए, ओके। रिपोर्ट, और इसको फिटिंग बाद में करेंगे, पहले आपको